मेरा नाम हेमा है, मैं कस्बा केमरी मोहल्ला संगड़ियान में रहती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री हूँ। और यहाँ पर ये केमरी में आपने प्रेस नोट दिया है या महानिदेशक नकलों के लिए आपने शिकायत करी है कि सट्टा जुआ वगैरह यहाँ पर चरम सीमा पर है और कोतवाल साहब के पर आपने आरोप लगाया है कि ये पैसा लेकर गए, कहाँ तक ये सत्य है? ये सत्यवाद है क्योंकि हम खुद कोतवाल से मना करने गए थे लेकिन कोतवाल नहीं माने फिर भी, और यहाँ पे ये काम फुल तरीके से फुल रूप से चल रहे हैं। हर पुलिस वाला अपने अपने अड्डे पे जाता है और पैसे लेके आता है। कोई 30,000 रुपये महीना दे रहा है, कोई 22,000 रुपये महीना दे रहा है, कोई 20,000 रुपये महीना दे रहा है। इस तरीके से पूर्ण रूप से काम चल रहे हैं, सट्टे का, डिब्बे का, फट्टे का, खुलेआम काम चल रहे हैं। अब तो सत्ता पक्ष में हैं फिर भी अब जो है इस चीज़ को नहीं रुकवा पाए, ऐसा क्यों? क्योंकि भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं इसलिए नहीं रुकवा पाए। इन लोगों को पैसे खाने की आदत पड़ गई, लत लग गई है, ये लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि जिसको महीना 3 से 5 लाख थाने में आ रहा है वो ये लालच कैसे बंद कर सकता है? मैंने यहाँ तक की SP को भी दिया, मुरादाबाद IG को भी दिया प्रार्थना पत्र, ऑनलाइन भी किया मैंने, लेकिन इसका कोई भी अभी तक रोकथाम नहीं हुआ। तो ये काम अभी पूर्ण रूप से चल रहे हैं। तो अब सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं सरकार से ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इन सटोरियों को, सट्टे वालों को उठाया जाए और ये काम बंद किया जाए, कैमरी पूर्ण रूप से साफ हो जाए ताकि यहाँ चोरी डकैती बच्चे नहीं बिगड़े। मोदी ने चलाया है कि अभियान बच्चे पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे, सिर्फ चोरी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार रोहेला और मैं केमरी का निवासी हूँ, मोहल्ला सिंगाड़ियान। और आपके कस्बा केमरी के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट यहाँ जो है इंद्रेश कुमार कोतवाल, यहाँ सट्टा और फट्टा, जुआ, चरस बेतदादी से करा रहा है। और उसके साथ में इन लोगों से कहा भी जाता है, जिसमें मैंने शिकायत भी 3-4 बार अपने तुम्हारे मुरादाबाद को भी, IG को भी करी है, SP साहब रामपुर को भी करी, ऑनलाइन में नकलों को भी दिए किए RSF, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें इसकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ रही है। और सबसे ज़्यादा चोरी होगा अब यहाँ ज़्यादा होने लग गई, जिससे बैटरों की दुकानें कट गई हैं, गाड़ियों की लगभग यहाँ पर ये सट्टा और ये चरस वाले, फट्टा वाले बता रहे हैं, कितने लोग काम करने वाले? लगभग कम से कम 20-25 लोग। इनका जो है शिकायत करने पर कोतवाल साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया? संज्ञान नहीं लिया। कोतवाल से कही तो कोतवाल बोला भाई मैं क्या कर सकता हूँ, भाई पैसे की कोई वाली बात नहीं है और ना मैं तो काम को बंद करा दूंगा। बोले ठीक है मैंने कराई है, तो बोले काम भी बंद नहीं हो रहा, बोले भाई ये तो अब बताओ हम भी क्या करें, अगर हमें ऐसे नहीं करेंगे तो क्या करना है, हमें भी तो 2 पैसों का वो है, ऊपर जाता है हमारा पैसा। इसका कोई प्रमाण है कि आपके पास में कि कोतवाल साहब जो है इसका पैसा लेकर के ये भ्रष्ट जो है सट्टा वगैरह चलवा रहे हैं? तो सट्टे वाले खुद बताते लेते हैं, हम जब शिकायत कर रहे हैं तो क्यों नहीं पकड़ते? भाई जब हम शिकायत कर रहे हैं, आपसे भी गया, कोतवाल साहब से भी गया हमने, भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। बोले कुछ नहीं, बोले भाई ये तो आज से थोड़ी चल रहा है, ये तो सब नीचे से ऊपर तक हर जगह चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? नहीं पैसा लेना है उन्होंने, पैसा ले रहे हैं 3 से 5 लाख रुपये, 30,000 रुपये एक सट्टे वाला देता है, फट्टे वाला 10,000 रुपये रोज देता है, जिसमें सबके नाम है, इसमें मैं जो लिख के दे रहा हूँ आपके सबके नाम भी है। क्या क्या नाम है? एक तो आपका नब्बी है, फूल हसन है, ताहिर है और चंदा है और तुम्हारे क्या लल्लू और ये इसका नाम जाहिद और चुप्पा फहीम। अच्छा ये लोग सट्टा खेलने वाले हैं, खेलने वाले या खिलाने वाले? किंग है। अच्छा किंग है ये सट्टा किंग है, ये जो है सबको खिलवाते हैं, इनके आलेदा आलेदा फट्टे लगाऊंगे।